खबर यूपी के चंदौली से है। भारत सरकार रक्षा मंत्री का चकिया आगमन मिशन 2022 विधानसभा चुनाव। चंदौली अंतर्गत विधानसभा चकिया 383 से है, जहां भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने गृह जनपद विकासखंड चकिया के ग्राम पंचायत सोनुल में एक दिवसीय दौरा करते हुए विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की भाजपा से समर्थित प्रत्याशी आचार्य कैलाश खरवार को भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता से अपील करते हुए फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को पूर्ण बहुमत से लाने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा व देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए भारत को विश्व के सबल राष्ट्र के रूप में उभर कर आने की बात कही। वहीं वह मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार की कड़ी निंदा करते हुए देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि यदि विश्व में भारत सम्मान पाया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन, अन्यथा इसे और सरकारों ने तो व्रत में झोंक रखा था। चकिया से हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। माइक लगाओ यार, लगा माइक, लगा माइक, लगा जो पूर्व विधायक है वो बार बार कह रहे हैं कि एक महीने उसे ना बार बार साल।